हाय फ्रेंड्स मैं वेलकम टू मूवी शो भी करता हूँ पॉजिटिव नमस्कार और ये एक सल्यूट यार जो भी इंडिया के बारे में आ, उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो भी आर्म फोर्सेस के बारे में कुछ भी आता ना तो थोड़ा सा दिल तो मेरा भावुक हो जाता है आ, देखो एनिमल मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बॉबी बॉबीदोल का जो म्यूट कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है अगर वो म्यूट है और ऐसा लग रहा है कि ये बात सही है क्योंकि जो पोस्टर आया उसके अंदर वो सिर्फ इशारा कर रहा है और जो लास्ट सीन आया जो टीजर के अंदर वो भी चक्कू छुरी बुला के कहता है आ जाए इधर तो ये सारी जो चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद इसके

तो मैं बड़ा परेशान हो गया विक्की कौशल साहब कहाँ गए यार ये गाना जो है ये मेन लीड के ऊपर होना चाहिए और यही इस कैरेक्टर की विवेन्ती है एक्चुअली में क्योंकि मैं घुल मिल गया मुझे लगा कि ये कोई एक आ, महान इंसान की कहानी है जो आ, मैं पर्दे के ऊपर देख रहा हूँ या फिर लार्जर स्क्रीन पे देख रहा हूँ और ये गाना जो चल रहा है उसके पूरे जीवन काल की कहानी सुना रहा है यंगर एज से लेकिन जब तक तो वो रिटायर नहीं हो जाता था चालीस साल की सर्विस और उसकी उपलब्धि और उसका आ, जो जोश है वो कैसे सिर्फ उसका जोश नहीं था क्योंकि इसके अंदर जो मुझे लेसन नज़र आया पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बट मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मुझे तो ये समझ में आया कि जो मेरा जोश है ये मेरे तक नहीं रह सकता ये जो जोश है ये ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसलेट होगा और जिसे कहते हैं ना नॉलेज ट्रांसफर होगी जज्बा ट्रांसफर होगा और आने वाले सोल्जर्स के अंदर और वो जो डायलॉग भी आता ना टीजर में तो वो खाना खाने लग गया ट्रेलर के अंदर जो आया था कि आ, आ, अब कोई पोस्ट छोड़ के नहीं जाएगा जो भी छोड़ के जाएगा वो मेरी परमिशन लेगा और मैं उस चीज की परमिशन कभी नहीं दूंगा माई गॉड गूस बम्स और मुझे ऐसा मैं कन्फ्यूजन में आ गया कि मैं पहले एनिमल देखूंगा कि श्याम बहादुर देखूँगा हालांकि इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है कोई श्याम बहादुर के शोज़ जो है वो साढ़े नौ दस बजे से लगने शुरू होंगे और एनिमल के जो शोज़ हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे सुबह सात बजे यानी कि सिंगल स्क्रीन के अंदर तो आ, अच्छे सिंगल स्क्रीन के अंदर भी साढ़े छः बजे शुरू हो जाएंगे तो एनिमल ही आप पहले देखोगे मोस्ट प्रॉब्लमली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है और जिसके बाद मैं एनिमल जो देख रहा हूँ और कल एनिमल का ट्रेलर भी आने वाला है और इसके बाद तो मतलब चॉइस जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी मैं चाहूँगा कि ये हिस्ट्री में ये दोनों जो मूवीज़ हैं गदर और लगान की तरह याद किया जाए क्योंकि ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रही हैं दोनों मूवीज एक जो डिशुम डिशुम को एक इमोशनल टच देने की कोशिश कर रही है अभी हमने बहुत सारी डुश्म वाली मूवी देख ली पर दिल पे हाथ रख के देखना किसी ने भी इमोशनल तार फैमिली के तार ढंग से छेड़े नहीं है अभी तक अभी हम सिर्फ स्टाइल स्टाइल में ही रह गए हैं बट ये प्रॉमिस कर रही है एनिमल दूसरा जो शाम बहादुर है वो तो रियल बॉम बॉम्ब अपने सामने होता हुआ देख रहा है और ये जो देशभक्ति का जज्बा है इतनी आसानी से किसी मूवी में दिखता नहीं है अभी हमने पीछे कुछ मूवीज़ देखी जिसके अंदर था ये थोड़ा बहुत और लोगों ने उसको कहाँ पर पाँच सौ सौ करोड़ रुपये के ऊपर पहुँचा भी दिया और इस तरीके की मूवी अगर एक बारी दिल के अंदर उतर गई तो स्काई इज़ द लिमिट और इस तरीके की मूवीज़ आई एम श्योर जो करंट गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी और ये नेक्स्ट यूरी भी हो सकती है यू नेवर नो और यूरी और ये दोनों मूवी राइटफुली मेरिट के ऊपर आगे जाएंगे और मेरे ख्याल से एनेबल भी और बहुत से लोगों का करियर जो है वो और अच्छे तरीके से बनेगा और जितने भी लोग ज़बरदस्ती बॉलीवुड हाई हाय हाय हाई कर रहे हैं वो हाई हाय हाय हाई करके घर बैठ जाएंगे ठीक है, 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 है बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ और मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक बड़ी रिक्वेस्ट है देखो फैन वॉर के चक्कर में आप जो सभ्यताएं हैं वो कमेंट के अंदर छोड़ देते हो और जो सभ्यता छोड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है मेरे लिए भी आपके लिए भी सब लोग ह्यूमन हैं तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो चीज जिससे बोलनी है वो किसी और चैनल पर करो यहां मत करो और स्पेसिफिकली जो आप पॉजिटिविटी के लिए हाथ जोड़ते हो तो आप नेगेटिव बात मत करो नेगेटिव बात होती है जब आप किसी को डीमीन कर रहे हो तो नेगेटिव बात ये नहीं होती कि जब आप फीडबैक दे रहे होते हो तो सुबह जब मैंने शाहरुख खान साहब के गाने का एक रिव्यू किया मैंने बोला बहुत शानदार है सुनने में बहुत मधुर है क्या एनर्जी है 57, 58 फिफ्टी एट ईयस के अंदर कोई मैच ही नहीं कर सकता यंगस्टर्स को सीखना चाहिए बट एट द सेम टाइम ये कोई चार्टस्टर गाना नहीं है ये मूवी में सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा तो लोगों ने बोला ये नेगेटिविटी है तो उनके दिमागों पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि वो करते हैं भक्ति और अपने से तो होती नहीं किसी की भी भक्ति सिर्फ भगवान की और पेरेंट्स की होती है तो जितने भी भक्त लोग हैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट है आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो यार अभी की अभी मतलब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर दो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब बकर बकर करनी है ना दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू अगर आप सिनेमा लवर हो आप सारे स्टार्स को इक्वली इज्जत देते हो मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो तक का टाइम देते हो ग्रेट और अगर आप इतने सेंसिबल हो आप ये समझ पाते हो कि लार्जर मुद्दे क्या हैं तब आप इस चैनल पर रह सकते हैं अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फिर हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं और जब अच्छे दोस्त ही नहीं बन पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है एक दूसरे के साथ रहने का ठीक है इट्स अ बैड मैरिज सो टू से जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ आगे आएगा टाइगर थ्री आ, क्या वो 500 करोड़ क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा बड़ा मुद्दा है आ, वीडियो में देखना बाय बाय